नमस्कार, पल पल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नैंसी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इन खबरों से। 1,10,00,000 रुपए की नकदी बरामद होने के मामले में बड़ा खुलासा। आईजी संजय कुमार ने प्रेस वार्ता में किया खुलासा। फर्जी फर्मों के माध्यम से खेला जा रहा था खेल। फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों की हेराफेरी करने वाले 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फर्जी फर्म भगवती ट्रेडर्स और विकास कॉटन के जरिए की गई करोड़ों की टैक्स चोरी। चंद्र भाटिया अमर सिंह की देखिए ये रिपोर्ट। भावदीन टोल प्लाजा के अंदर देख बरामद हुई 1,10,00,000 नकदी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बरामद नकदी के तार फर्जी फर्मों से जुड़े पाए गए हैं। खास बात है कि जिस शख्स के पास नकदी बरामद की गई उसी ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की है। हिसार रेंज के आईजी संजय कुमार ने बाकायदा प्रेस वार्ता कर इस मामले से पर्दा उठाया है। नाके पे उसके आगे जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में अभी आपको बता देता हूँ। उसकी इंक्वायरी चल रही थी। पहले भी हमें कुछ सूचनाएं थी कि कुछ नकली फॉर्म बना के और टैक्स की चोरी की जा रही है सिरसा और आसपास के इलाके में। इस पे हमने सूचना लगाया हुआ था, आदमी लगाए हुए थे। तो अभी हमें सफलता ये मिली कि 2 फॉर्म वाले जिनके नकली फॉर्म बने हुए हैं, जिनको खुद को भी पता नहीं था, उनको भी उनसे आईडी प्रूफ लिया गया था और उस बेसिस पे उनका फॉर्म खोल लिया था। नकली फॉर्म खोले गए थे, उनके चेकबुक ले रखे थे साइन करा के और खुद डीलिंग कर रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि उनके अकाउंट्स में कितने की लेन देन है। और अब जब वेरीफाई किया गया है तो उसमें 50 करोड़ से ऊपर के लेन देन की बात सामने आई है, जबकि वो आदमी 10,000-15,000 रुपये पर नौकरी करने वाला है और उसको कुछ पता नहीं था। तो उसने कंप्लेन करी है, उस बेसिस पे 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एक मुकदमा पुलिस ने अपने सोर्स से जो इंक्वायरी करी थी उस पर दर्ज हुआ है। टोटल 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं जिसमें ये बात सामने आई है कि कुछ लोग जो सिरसा के हैं वह मिलीभगत करके और लोगों को भला फुसला करके, उनका आईडी लेकर के बैंक वालों से मिल करके नकली फॉर्म बना रहे हैं और उसमें लेन देन करके सरकार को हानि पहुंचा रहे हैं, वित्तीय नुकसान पहुंचा रहे हैं टैक्स की चोरी करके। इस बेसिस पे पर्चा दर्ज कर दिया गया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है की जाएगी। इसमें अभी जो है 2 मुकदमे जो हैं, एक तो मुकदमा दर्ज हुआ है विकास कॉटन मिल्स के नाम से नकली फॉर्म बना हुआ था, उसके बयान पे दर्ज हुआ है। उसमें रमेश कुमार, रविंदर, महेश बंसल, प्रमोद बंसल और सुनील कुमार 5 लोगों के नाम हैं एक्यूज में। और जो दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ है वो गुलशन के नाम से दर्ज हुआ है, जिसका भगवती ट्रेडर्स के नाम से इन्होंने खोला हुआ था, ये भी नकली फॉर्म था। इसमें जो हैं 3 मुलजिम हैं, इसमें रविंदर, रमेश कुमार और महेश बंसल। तीसरा जो है, जो पुलिस की तरफ से दर्ज हुआ है, जो हमारी इंक्वायरी के बाद जो बात सामने आई थी, वह गणेश ट्रेडर्स के जो नकली फर्म है उस पर दर्ज हुआ है और उसमें पवन कुमार, प्रमोद बंसल और महेश बंसल जो है 3 एक्यूज्ड हैं। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो और सबूत जो है जुटाए जाएंगे, इसमें जिसके खिलाफ भी और सबूत आते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें धाराएँ तो जो लगी हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, 420, 467, 468, 471 और 120B। तो ये धाराएं लगी हैं IPC की। इसके अलावा जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई और बात सामने आती है तो उस हिसाब से धाराएं घटती और घटती रहती हैं, तो वो तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान सबूत के आधार पर क्या चीज़ आती है उस पर डिपेंड करेगा।